हाँ क्या हुआ? ये जॉर्ज तू कहाँ है यार? अरे इस वक्त मैं यहाँ पर बहुत बिजी हूँ। यहाँ जल निगम के पास मैं लाठी चार्ज को कवर कर रहा हूँ। पुलिस सबको धमका रही है। अच्छा तुम काम बताओ। अरे तुझे पता नहीं आज हमारे सैम की चर्च में शादी है यार, हमें ड्रेस खरीदनी है। अच्छा ठीक है तुम लोग चलो मैं पहुँचता हूँ। यहाँ जल निगम के सामने पुलिस आम लोगों पर लाठियाँ बरसा रही है। अभी कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी इन सबको जेल में भर के ले जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ मेरे कजन की शादी। ओके तुझे पता है पॉली हम तेरी वजह से इतना लेट हुए? मेरी वजह से? ये खाता है तो बंद करने का नाम ही नहीं लेता। अरे नहीं नहीं तुम लोग मेरी वजह से लेट हुए मैं मानता हूँ। चलो जल्दी चलो। मंगल है सौभाग्य सबका, हम पे है यीशु का साया, कल्याण रूप दयालु यीशु है जो, करुणा के सागर है। चलो लेट हो गया यार। रूप दयालु यीशु है जो, कजिन है हम, बस थोड़ा लेट हो गए। मंगल है सौभाग्य सबका। सैम क्या तुम जीजस के सामने इस चर्च की मर्यादा रखते हुए यहाँ खड़ी ट्रेसी के साथ शादी करना स्वीकार करते हो? स्वीकार है या नहीं? शादी स्वीकार है या नहीं? सैम क्या तुम यहाँ खड़ी ट्रेसी के साथ शादी करना स्वीकार करते हो? फादर ये पॉसिबल नहीं है। मैं वहां खड़ी एनी से शादी करना चाहता हूँ। ये करने का उद्देश्य क्या है सैम? फादर हम दोनों का प्यार आज या कल शुरू नहीं हुआ, सदियों पुराना है। हम बचपन से प्यार करते हैं। उसे धोखा देकर मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ फादर? जॉर्ज तू ही सच बताना इन लोगों को, तूने कहा था भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी शादी चर्च में होगी। क्या क्या हुआ? तुम ये क्या कह रहे हो सैम? एनी चल घर चल, मुझे जानना है कि सब क्या चल रहा है। पीटर तुम रुक जाओ, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। आज आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं इसे जान से मार दूंगा। आप देख लेना मेरे लिए कन्फेशन बॉक्स तैयार रखिए। परमेश्वर मुझे तो यहाँ मौत की घंटी सुनाई दे रही है। चल तू मेरे साथ। रुक जाओ सामने से जा, सुनो रुक जाओ। अरे जॉर्ज उसे बोलना, कहाँ ले जा रहे हो मेरे दोनों को? अरे कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। अरे हेलो डॉक्टर, क्या एक आदमी अचानक से पागल हो सकता है? इतनी सी बात के लिए क्या मैं उसे पागल घोषित कर दूं? तुम लोगों ने इनले फिल्म देखी थी? नहीं कल हमने वो फिल्म नहीं देखी, पर आप बोलोगे तो देख लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने पद्मराजन की फिल्म इनले नहीं देखी? इसने नहीं देखी, मैंने देखी इनले। हाँ उस फिल्म में शोभना के साथ एक केस होता है। हाँ। एक एक्सीडेंट के बाद मुझे पता है अकेशिया एमनीशिया। हाँ। जिसका मतलब है टोटल मेमोरी लॉस, पर ये केस उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या? उसका मतलब जब किसी इंसान को पुरानी यादें जकड़ लेती हैं, इन लोगों को हमेशा इसका कोई अतीत याद आता रहता है। कभी कोई इंसान हमें प्रभावित करता है या कोई घटना जो वो भूल नहीं पाता। आज चर्च में सैम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। आओ सैम। सैम सैम अभी तुम कहां हो? सैम सामने ही तो लेटा है, लगता है डॉक्टर पागल हो गया है। सैम चुप एकदम। एनी, एनी आने वाली है, वो खड़ूस वर्की भी उसके साथ आ रहा है। जो इसके साथ आठवीं क्लास में पढ़ती थी सैम आज भी उसी की यादों में खोया है। मेरे दिल के बगीचे में तुम प्यार का एक फूल हो, रहने देता हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है। ये वो लेटर है जो मैं मौली कुट्टी को देने वाला हूँ। हाँ लेकिन हमें स्कूल से निकले तो काफी समय हो चुका है, वो आएगी क्या? क्योंकि उसके आने में भी थोड़ी देर है। हो सकता है वो वर्की के साथ चली गई हो। हाँ। पॉली तेरा लिखना खत्म नहीं हुआ? शे, पूरा कंसंट्रेशन बेकार कर दिया। सुनो ये लव लेटर लिखना कोई आसान काम नहीं है। जल्दी करो भाई लोग। हा? हा? वो आ रही है। आ गई हो? वो जा रही है।
जल्दी ये लेटर जाके उसे दे, जल्दी जा बे, जल्दी साथ चलना जाना। अरे बेवकूफ, जल्दी से ये लेटर जाके उसको दे, सोच क्या रहा है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तुझे अकेले ही करना पड़ेगा, जल्दी जाना। जा जल्दी। एनी, तुमने आने में आज बहुत देर कर दी। नहीं तो वो वर्की आज कहाँ रह गया? वो स्टाफ मीटिंग में है, नहीं देर लगेगी। साइकिल पे चलोगी? क्या कर रही है? नहीं रहने दो। ओवरलोडिंग नहीं होगी? नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। अबे क्या कर दी? दे। एनी, हे भगवान, किसी ने देख लिया तो? कोई देखे इससे पहले ले लो। यहाँ क्या चल रहा है? चुप रहो, लव लेटर दिया जा रहा है। मम्मी है? पापा जल्दी करो। रो मत मेरे दोस्त, हमारे सैम को और दूसरी लड़की मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ सैम की शादी होती तो खाने को कितना मिलता। आमतौर पर जब कोई हाइपोथर्मिसिया का व्यक्ति फ्लैशबैक में जाता है वो वापस नहीं आ पाता, पर इस मामले में सैम थोड़ा सा किस्मत वाला है। बैठो। एक ब्रीफ इंटरवल के बाद वो अपने आज में वापस आ जाएगा। सैम के दिमाग के ऊपरी हिस्से में एक माइनर फ्रैक्चर है। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है वो उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। उस वक्त उसे काफी समय तक हॉस्पिटल में रखा गया था, हमें लगा था वो काफी समय तक अब नहीं बचेगा। मे बी, ये भी एक कारण हो सकता है, पर बीते हुए 6 साल की यादें सैम के दिमाग से जा चुकी हैं। कुछ है जो उसे उसके आज में आने नहीं दे रहा है। हमें उसकी बहुत सी पुरानी यादों में जाना होगा, क्योंकि ये उसके दिमाग पर बुरा असर कर सकती है, तो उसकी यादों को रिकैप करना होगा। डॉक्टर, इसका कोई इलाज नहीं है? मैंने आपसे पहले भी कहा है, सैम कोई पागल नहीं है। सैम के अंदर सिर्फ हाइपोथर्मिसिया के लक्षण दिख रहे हैं, उसे कोई बुखार या जुकाम नहीं हुआ है कि जो दवा की जरूरत है। फिर क्यों ना इसे घर में बंद कर दें और कहीं बाहर ना जाने दें, इससे इसका पेट भी भरा रहेगा। तुम सैम के क्या लगते हो? कजन। यार उसे अकेला छोड़ दो, अगर किसी इलाज की जरूरत हुई तो हम देख लेंगे। सैम के दिमाग में कोई भी पुरानी यादें नहीं बची हैं, पर वो कॉलेज की लाइफ और अपने दोस्तों को याद कर सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसका अतीत जो मिट चुका है उसे वापस लाने के लिए उसके दिमाग को मेहनत करनी होगी, उसके लिए फिजिकल सपोर्ट चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं इजाजत नहीं दे सकती, इसकी तबीयत वैसे भी खराब है, फिर ये ट्रैवल कैसे कर सकता है, वो भी इन बेवकूफों के साथ। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब पागल हो गए हैं। हाँ, हम लोग हैं पागल। माँ जी, डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर कोई भी पागल हो जाएगा। ये और इसका फ्लैशबैक वाला प्यार कहाँ है वो? मैं भी उसे देखती हूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ बैठी है। बेटा सैम, ये देखो इस फोटो को जरा गौर से देखो, बताओ ये कौन है? आंटी की माता जी हैं। हाँ, अब जल्दी से अपनी पुरानी यादें ताजा करो बेटा, बताओ ये कौन है? क्या ये भी पागल हो गई है? हाँ, देखा, इसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे देखा, इसे कुछ याद नहीं है। अरे माँ, अगर तू 18वीं सदी की फोटो दिखाएगी तो उसे अपना पुराना वक्त कैसे याद आएगा? अब वो राम रावण के युग की बात कैसे याद रखेगा? पता नहीं इसकी याददाश्त कैसे आएगी। चल भाग, क्या मैं उसे प्रभावित नहीं करती हूँ? फिर ये मेरे अतीत को याद क्यों नहीं कर पाया? भगवान मुझे ही मार दे। अतीत के बारे में सोचने बैठा, जो बची है वो भी चले जाएगी। माँ जी, डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है अच्छा होगा कि आज रात हम इसके साथ जाएं। जब ये वहाँ कई अलग अलग जगह देखेगा तो हम वहाँ से कुछ फल खरीद लेंगे। चुप कर भुक्कड़ कहीं के, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ठीक है, वो अगर आपके पास्ट को सोचने बैठा तो जो भी मेमोरी बची है ना वो भी चले जाएगी, तो समझाना बात को वरना भूत आएगा रात को। चुप कर। तो रुक, बहना मेरे सारे के सारे बेटे नालायक हैं, पर इनकी बातों में लॉजिक होता है। सैम के केस में डॉक्टर ने जैसा कहा है उन्हें बिल्कुल वैसा करने दो, क्या पता इसकी बीमारी खतरा ना बन जाए। तुम सुनो जॉर्ज, तुम्हारी बहना मान गई है, तुम लोग निकलो। एक चीज और, यात्रा के बाद मेरे बच्चों, भगवान की कृपा से
तुम लोग अपनी बची हुई याददाश्त को मत खो देना। इस मामले में मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। पापा जी यहाँ आइए। क्या हुआ, बोला ना, इधर आइए, बोलो। फिर उसका सातवीं और आठवीं में एडमिशन करा के खेलो उसके साथ, और जब वो अपनी पुरानी यादों में घुस जाएगा, माँ का दूध मांगेगा, तो मुझे मत कहना। पापा एक बात और, उन देसी मुर्गों को अभी हाथ मत लगाना। हाँ। हमारे आने से पहले उनको फ्राई करके खा मत जाना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। बेटे या पुराने जन्म के पाप। हाँ ट्रेसी, अब बच्चों को जाने दो और उनके अच्छे से आने की कामना करो। तू क्या कर रहा है बे? तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है? एक लड़की को छेड़ रहा हमारे सामने, वो भी दिन के उजाले में। चल घर जाकर सो जा। हाँ हम यहाँ से जा रहे हैं, पर हमें वापस ना आना पड़े। आज इन सब कुत्तों को मैं मार दूंगा। चलो यहाँ से जल्दी निकलो, जल्दी चलो, जल्दी करो। ये सब तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हें पता वो लोग कौन थे? नहीं पता। शेर खान के लोग थे। ऐसा क्या? तुम लोग उनके हाथ लग गए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, वो लोग यहाँ आते ही होंगे तलवार और बंदूक लेकर के। 5 मिनट तुम लोग यहीं खड़े रहे तो अपनी जिंदगी खोदोगे, भाग जाओ यहाँ से। 5 मिनट में? हाँ हमारे लिए तो 1 सेकंड ही काफी है। अबे खड़े क्यों है, भागो। अबे यार यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सारे रास्ते एक जैसे हैं। लड़कियाँ मुझे रास्ता दो। जॉर्ज मैंने एक खंबा खरीद लिया है, आज झगड़े की वजह से बहुत थक गया था। मुझे पहले से पता था तू क्या बोलने वाला है, वहाँ तुझे पहलवान बनने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करता? अरे यार वहाँ कुछ गलत हो रहा था और हमने तो बस इंसाफ ही तो किया। लेकिन मजा आ गया। यहाँ जाता है गड़बड़ करता है। हाँ, लेकिन फाइट में मजा आ गया। चलो बोतल खत्म करते। ए, सैम कहाँ है? हाँ, पार्टी करते हैं। अरे रात में आग जलाने से जंगली जानवर नहीं आते, इसलिए जलाई। यहाँ आती तो नहीं आएगा ना? डरपोक कहीं का भाई, आपको डर नहीं लगता? अबे मैं तो सोच रहा हूँ कि हम उस जंगली हाथी से कैसे बचेंगे। अरे यहाँ पे जंगली हाथी आ गया तो मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। अरे जंगली हाथी आएगा तो उसे ये पिला देंगे, इतना काफी होगा। हाँ, वो हाथी पहले हम में से किसी एक को मारे। भाई डरा क्यों रहा है, चल दारू पीते। हाँ चल आ जा। भाई मेरे में पानी मत डालना। तो दारू भी नहीं दूंगा। सैम तू ठीक है ना? हा? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आई एम ओके, बस एक सपना देखा। सैम, सैम, अरे कहाँ चला गया ये? ए, जल्दी उठो। हे भगवान मुझे बख्श दे और इसे मार दे। क्या? अरे मुझे लगा कि शेर सिंह आ गया। अरे यार सैम कहाँ है? सैम है? सैम तो कल रात से तेरे साथ था ना? हाँ पर वो अब दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। सैम, सैम, सैम। कहीं उसे जंगली हाथी ने खा तो नहीं लिया? अबे जंगली हाथी तेरे जैसे भुक्कड़ नहीं होते। अच्छा ऐसा क्या? सैम, सैम। बोरा ये वहाँ पे क्या कर रहा है? आ जाओ चलो, आ जाओ यहाँ नहा कर निकलते हैं, पानी साफ है। नहीं बे अभी पिछले हफ्ते ही नहाया था, नहाने की जरूरत नहीं है। नहीं,
कहते हैं नहाने के बाद भूख अच्छी लगती है। चलो चलो सैम, हमें क्या वहाँ आने के लिए तैरना होगा? अरे रास्ता तो दिखा। अरे उस ब्रिज से होकर आ जाओ। अच्छा ओके। उधर से यहाँ नहाने और ब्रश करने के लिए अच्छी जगह है ना? ए, तो इस तरह क्यों करता है? यहाँ आने से पहले बताना चाहिए ना। मैंने सोचा रात को तुम लोगों ने ज्यादा पी ली थी। अबे कितनी बार जगाया तुम्हें पर तुम लोग उठे ही नहीं। चलो अभी ऐसे तालाब में नहीं नहाया जहाँ मगरमच्छ हो। मगरमच्छ रहते हैं? तालाब बड़ा आए हो सकता है। अरे तो पूरा नंगा हो गया। ये पागल तो बिना कपड़े के तालाब में कूद गया। आओ ना। अबे क्या कर रहा है तू? मगर हो या अगर, अब ये शेर पानी में कूद कर रहेगा। बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है। अरे रे रे रे, अरे अब तू क्या कर रहा है? अरे बेशरम लोग बिना कपड़े के तालाब में कूद गए। ये लोग भी, इन लोगों को कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। अरे यार तू भी, तुझे शर्म आती है तो तू भी अपनी आंखें बंद कर ले। अरे तू भी, इसे पकड़। ए, ऐसे खड़ा क्यों है? अंदर आ जा। भाई मजा आ गया। पानी में आग लगाए सावन का महीना। नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिना नहीं जीना। आ जा, तू भी मजा ले। ये नहीं माना तो कपड़े पहनकर तालाब को गंदा कर रहा है। जल्दी चड्डी उतार, हमें उतार। नहीं उतार, उतार दे। नहीं, अरे उतार। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास उतारना। अगर ऐसी हरकत तूने नहीं की तो हम जबरदस्ती तुझसे कराएंगे। उतार दे। ओके ओके, मैं उतारता हूँ। हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। ऊपर निकाल के दिखा। वाह कितना खूबसूरत जगह। पापा जल्दी आइए। ए वो देख, वो लोग इधर आ रहे हैं। आराम से। पर ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? ए मम्मी, मुझे क्या पता। अरे इनको नहीं पता अंडर वाटर में अंडर वियर नहीं है। क्या हमें इन्हें सच्चाई बता दे? चुप कर बे गधे। मर गए तो भी ठीक है, पर इज्जत नहीं जाने देंगे। चलो चलो जल्दी चलो। लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने कपड़े नहीं पहने। उस अंग्रेज से बोलो पानी में ना कूदे। अरे अगर वो अंग्रेज पानी में कूद गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद वक्त हमारे साथ भागेगा। क्या करे। हाय, चुप कर बे। हम भी तैरना चाहता है। नो, यहाँ एक समस्या है। प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? यहाँ काटने वाली मछली है, बिग फिश। वो क्या कह रहे हैं? वो बोलता है कि बड़ा मछली है। सच में? रियल और नारियल के चक्कर में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। देखो मेरे पास बड़ा चाकू है। नो डैड, मुझे फिश के साथ खेलना है। बिल्कुल नहीं, पर हम चेक करेगा। नो, हे भगवान, ये तो आ रहा है। आराम से खड़े रहना, डरना नहीं। कूद गया, कोई भी घबराना नहीं। वो आदमी कहाँ गया? बड़ा मछली। ओ नहीं, हम वापस जाते हैं। कहीं अंग्रेज मेरे पास आया होता तो इसे वेल मछली दिखती और ये चक्कर आकर गिर जाता। डैड, हमें भारी मछली के साथ खेलना है। नो नो नो, हम वापस चलते हैं। शार्क छोटी मछली है ना। चलो वापस चलो। चलो, चलो। चल मोटे, तू भी जा। जा ना। ए, हमारे कपड़े देखो, वो अंडरवेयर तुम्हारे साइज की नहीं है। हमारी इज्जत लेकर क्यों भाग रहा है? ए! बेटा छोड़ दे। एक तो छोड़ दे बेटा। ए, अरे बोल दो। अरे बेटा रुक जा। ये तो हमसे भी ज्यादा बेशरम निकला। भाई अब हम क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, पानी के अंदर ही रहते हैं। क्या क्या हो गया? ऐसा लग रहा जैसे हम कोई आदिवासी हो। तू ऐसा मत बोल, ये सब तेरे वजह से हुआ है। मैंने सिर्फ नहाने को कहा था, पर कपड़े उतारने का आइडिया तुम लोगों का था। कुछ भी हो, ढकने के लिए पत्तियां तो मिली। देखो हमें बिना बात किए जल्दी से टेंट पे पहुंचना है। अरे देखो वहाँ पे भेड़ है, आराम से नहीं तो वो भेड़ हमारी इज्जत डकार लेगी। उनसे बच के चलो भाई। चुप कर। अच्छा होगा अगर इन्हें सिर्फ घास ही पसंद हो। आराम से, उन्हें खाने मत देना। ये भेड़ के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। भागो यहाँ से। उधर देखो भाई, कहीं ये शेर खान तो नहीं है? देखो
वो लोग हमें इन कपड़ों में पहचान नहीं पाएंगे। सही कहा, उन्होंने गाड़ी रोक ली, अब क्या करेंगे हम? अरे लगता है वो हमें पहचान गए। शेर खान, अब क्या प्लान है भाई? बेवकूफों भागो यहां से, भागो भागो जल्दी, सैम जल्दी गाड़ी ला रहा है, निकलो यहां से, अरे भागो, भाग गए। अबे गाड़ी तेज भगा, और कितनी तेज चलाऊं? ये जीप है, रॉकेट नहीं। अरे चला तो रहा हूँ, ये रास्ता ही ऐसा है। वो पीछे आ रहे हैं। अबे बैलगाड़ी की तरह नहीं, तेज भगा। ए जॉर्ज, इसमें ब्रेक तो ठीक है ना? मैं इसे पहली बार चला रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो गाड़ी की टेंशन मत ले, तेज भगा। अबे आगे टर्न है, भाग जल्दी जल्दी, लेफ्ट मार। कहीं चाय की दुकान पे रुकना, पहले इसके सर पर जूता मारो, ये बात को समझ ही नहीं रहा है। अबे टर्न आ गया, आराम से घुमा, जल्दी चल। अबे आगे डेड एंड है। अरे लगता है वो लोग भाग गए। चलो जान छूटी। नमस्ते। 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 हाय। हेलो। हेलो। मुझे शादी करनी है। प्लीज कम। Emerging Nature Beauty Contest goes to wonderfully talented Kerala Cousins. Sir, a few words please. Hello, मैं यहाँ सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, फैमिली, फ्रेंड्स, जजेस और आप सभी को थैंक यू। मुझे इसे बोलना नहीं आता। ये जीत की खुशी और ये सारी पत्तियां जो हमें मिली है और जिस भी कारण से हम यहाँ पर भाग कर आए हैं, मैं धन्यवाद कहता हूँ उस तालाब का जिसकी वजह से आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं। उन मछलियों का भी मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमें तालाब में काटा नहीं। उस अंग्रेज की औलाद का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिसने हमारे कपड़े तक नहीं बख्शे। हमारे गुरु शेर खान जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन सबको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा तहे दिल से। मैं इन सभी की कुर्बानी कैसे भूलूंगा, मुझे बोलने दो बहन। बस जीत की वजह से ये इमोशनल हो गए हैं। भाई अब बहुत भूख लग रही है, कहीं कुछ खाने के लिए रोक लो प्लीज। हम वही पहुंचने वाले हैं। देखो है? मणिपाल अभी भी 108 किलोमीटर दूर है, अगर हम वहाँ पहुँचने के बाद खाएंगे तो तुम लोगों को मेरी लाश मिलेगी, मैं बोल देता हूँ। अरे यार मुझे भूख लगी है, तुम गाड़ी रोको और मेरे लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करो। अबे चुप कर। चुप कर, नहीं तो मैं तुझे। गाड़ी रोको यार। अरे रोको गाड़ी, मुझे नहीं पता। गाड़ी रोको यार। अरे पहले कोई दुकान तो दिखने दे। पंजाबी ढाबा, अब जल्दी से खरीद कर कुछ खिलाओ इसे, नहीं तो ये हमें खा जाएगा।
अबे सांड की तरह खा रहा है तू? पता है इसके पेट में कीड़ा नहीं, भूख का एनाकोंडा है। तुम्हारी काली नजर की वजह से तो मैं भूखा ही मर गया। भाई, दो प्लेट मटन फ्राई लाना। जी सर। ये क्या बकवास चिकन करी बनाई है, तुम लोग इसे मत खाना, बिल्कुल बकवास है ये। अरे जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे, हम इस खाने का बिल पे कर रहे हैं। हे सर, इधर आओ। ये चिकन करी किसने बनाया, अपने मैनेजर को बुलाओ। जाओ। अरे तुझे नहीं खाना तो मत। मुझे जवाब चाहिए सैम, जा मैनेजर को बुला। जी सर। आज इसकी क्लास लेता हूँ मैं। फू। यस, आई एम द मैनेजर, व्हाट यू वांट? इसी स्वाद का दो प्लेट चिकन करी और ला दीजिए। तुम लोगों को भी कुछ चाहिए? इन्हें नहीं चाहिए, इनके लिए दो प्लेट पार्सल चाहिए। चल मैं एक प्लेट फ्री देता हूँ। क्या टेस्ट है? सैम, इसे क्या हुआ? कार्निवल। कार्निवल? सैम, ये क्या कह रहा है तू? कार्निवल मेला चल रहा है, मुझे जाना होगा। अरे यार, हमें तो मणिपाल जाना था ना, जहाँ तू पढ़ता था। डॉक्टर ने हमें वहाँ जाने के लिए कहा है। पॉली, एक मिनट, जहाँ ये जाना चाहता है हम वही जाएंगे। ओके, चलो चलते हैं। चलो। अबे तू हर वक्त खाता कैसे रहता है, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अब फिर तू ये मूंगफली खा रहा है। किसने कहा ये मूंगफली? ये तो चने हैं। भाई अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो एक ना एक दिन हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा इस बुक्कड़ को खिलाने के लिए। सच में एक नंबर का बुक्कड़ है। महाराज अंदर जाके बैठो। बैठ रहा हूँ। भाई गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना वरना चने गले में अटक जाएंगे। ये कार्निवल कहाँ चल रहा है, तुझे रास्ता पता है? देख, किसी ना किसी मंदिर के पास कार्निवल जरूर चल रहा होगा। ये सारी लड़कियां भी वहीं जा रही है। ये किसने कहा? उस दुकान के कैशियर ने। जिस कार्निवल की ये बात कर रहा है ये वही हो सकता है। तू वहाँ जा सकता है, जल्दी चलाओ देर हो जाएगी। वहाँ खूबसूरत लड़कियों का डांस भी होगा, बड़ा मजा आएगा। क्या, लड़कियों का डांस? वाओ, मजा आने वाला। अरे किधर गई गाड़ी? अरे देखो हमारी गाड़ी जा रही है। अरे रुको, गाड़ी रुको। यार उन लड़कियों को लॉरी छोड़कर चली गई। गाड़ी रुको रुको। हेलो हेलो हेलो, रुको रुको। चल उनके पास चलते हैं। भैया वो हमारी गाड़ी है, हमारी मदद कीजिए, वो गाड़ी हमें छोड़कर चली गई, हमें उस गाड़ी तक पहुंचा दीजिए। आइए बैठिए, संभाल के जल्दी करिए, जल्दी चलो। पॉली, मैं जरा थक गया हूँ, तू गाड़ी चला। अरे मैं हेलमेट लाना भूल गया, तुझे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ओके। भाई तू लड़कियों पर नहीं रास्ते पे ध्यान दे। हाँ मैं संभाल लूंगा। अरे अरे वो गई। अरे हटो, अरे हटाओ जल्दी, भागो, चल चल गाड़ी। अरे लॉरी आगे निकल गई यार, क्या तुमने नंबर नोट किया था? तुम लोगों का फोन नंबर क्या है? अरे लड़कियों का नहीं लॉरी का, गधे। देखा था अभी भूल गया। अरे संभाल कर चलो यार, लड़कियां बैठी हैं यहाँ से। अब क्या करें? आराम से उठाओ। तुम लोग गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर चलाते हो? वो हम जरा लॉरी का पीछा कर रहे थे। तुम्हें किसी लॉरी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जाओ। सुनो तो वो अगर हमारा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम लोग भी इनके साथ हॉस्पिटल चले जाओगे। ठीक है ठीक है। हाँ भैया हम इन्हें ले जाएंगे। चलो आराम से आराम से। चलो भाई आराम से। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, लगता है हमें भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। एक्सरे स्कैनिंग इन सबको मिलाकर पूरे के पूरे 25,000 पानी में बह गए। अरे यार तू जा कहाँ रहा है? स्वर्ग, वहीं जा रहा हूँ। हमको कैसे भी गाड़ी तक छोड़ दीजिए ना। क्यों नहीं क्यों नहीं। हे भगवान, हमने सोचा था रास्ते में इन लड़कियों के साथ बहुत मजे करते हुए आएंगे, पर इस एक्सीडेंट ने तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ए गाड़ी रोको रोको। प्रॉब्लम तो अब आने वाली है,
वो सामने खड़ी है। देखो तूने जीप क्यों रोक दी? तूने पहले क्यों नहीं कहा? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पूछ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वो हम बस एक लॉरी ढूंढ रहे थे। लॉरी को? अब ये बताओ ये दोनों कौन है? जल्दी बताओ। ये लोग ये बहन है हमारी है? ये सच कर रहा है? हमसे हमारी गाड़ी छूट गई है, बस उसे ही हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा है, लफंगे दिखने वाले भाइयों की शरीफ दिखने वाली बहनें। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, हम शक्ल से दिखते जरूर लफंगे हैं, पर हमारे अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है साहब। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, मेरा बाप संस्कारी और माँ बेवड़ी थी, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे भी है। नीचे आओ। अब ठीक है, गाड़ी स्टेशन की तरफ निकालो, चलो जल्दी। सर आप आगे चलिए, हम पीछे। कोई जरूरत नहीं, ये जाएगा बाइक पे और मैं जाऊंगा जीप में। सर मुझे बाइक चलानी नहीं आती। चल मैं तुझे बाइक चलाना सिखाऊंगा, चल मेरे साथ। उधर क्या देख रहा है, चल बाइक पर बैठ। सर मुझे बाइक पर बैठने में डर लगता है। तेरा सारा डर मैं निकाल दूंगा, चल बैठ। बाइक पर बैठने में डर लगता है, बैठ गया? हाँ। अच्छे से बैठना। हाँ। जल्दी गाड़ी लेकर चलो। सर ये गया नहीं? सर वो वाले सर मुझे छोड़कर चले गए। सर हम इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आप इसे भी बैठने दीजिए। सर आप इधर आ जाइए, हमारी बहनों के साथ बैठिए आप। क्या? ठीक है ठीक है, मैं नीचे उतरता हूँ, चलो तुम बैठो बीच में, मैं भी बैठता हूँ। अरे मैं तो अभी बैठा ही नहीं। अरे रुक जाओ, मैं भी चलूंगा, रुक जाओ। सैम वो देख, माँ, हाय, माँ देखो हम आ गए हैं। हाय, 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 हेलो एवरीबॉडी। आओ बेटी। आओ भैया, हमारे साथियों से मिलके जाना। हाँ हाँ आइए ना। ए टोनी थोड़ा संभल के रहना, वरना ये लोग तेरे साथ कुछ उल्टा कर देंगे यार। अरे आओ, अरे वहाँ पे बहुत लड़कियाँ होंगी। हाँ, सब लोगों से मिलकर जाना। मुझे बहुत शर्म आती है, मैं नहीं आऊंगा। अरे आओ ना भैया, मेरी बेटियाँ। माँ, मेरी बच्ची। बच्चों जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं चाचा, ये तो हमारा फर्ज है, तुम ही समझाओ ना इन्हें। आप लोग हमारे मेहमान हैं, मेला शुरू होने वाला है, खत्म होने तक हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी हम यहाँ नहीं रोक सकते, आप समझिए। अरे अभी तक तू मरा नहीं कमीने। सैम उठ जा, तुम लोग कौन हो, क्या क्या है ये सब? मारो इन लोगों को। Oh!
मैंने पूछा मेरी बहन कहाँ है, बोल। भाई, भाई वो आ रही है, वो रास्ते में है। देवा, इन लोगों को साथ ले चलो। तूने किसके आने की खबर दी है उन्हें? हाँ। कौन कहां से आ रहा है? हाँ। फिर तू क्या बकवास कर रहा था वहां? तुझे कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। पर मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे लग रहा है वो आदमी हमें शेर की तरह खा जाएगा। इसका मतलब तूने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था? मुझे नहीं पता, पर एक चीज पक्की है, ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सब क्या है? ये किसी महल जैसा दिख रहा है। ये महल लगता नहीं है, महल ही है। वाह, क्या महल है! बहुत अच्छा है ना? सच में ये तो बहुत अच्छा महल है। बिल्कुल, यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ बहुत खुशहाली होगी। बाहर से ही इतना खूबसूरत लग रहा है। हाँ। तो अंदर कितना खूबसूरत होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। पर इन लोगों के कपड़े आज भी पुराने जमाने के हैं। लगता है कोई राजा है और ये सब उनकी प्रजा। यहाँ भी राजा का हुक्म सराखों पर होगा। इधर से, यहाँ पुलिस हो या कानून, यहाँ राजा का ही फैसला चलता है क्या? वही तो, पुलिस और कानून कुछ भी हो, लेकिन यहाँ अभी भी राजा का ही फैसला चलता है। क्या बात बोल रहे हो! हाँ, अभी पता चल जाएगा, यहाँ पुलिस की हुकूमत चलती है, राजा की। वो तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अबे, यहाँ ऐसे नहीं बात करते भाई। यहाँ तो मस्त मस्त लड़कियाँ भी है, लगता है पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं। चुप करके चल। अति सुंदर, कितनी खूबसूरत महिलाएं हैं, देखकर मेरा तो मन खुश हो गया। सच में यहाँ तो बहुत सुंदर महिलाएं हैं। अरे धीरे बोल, वरना ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये तुम्हारा कमरा है, यही कल्पना है। यहाँ कल्पना? या उर्वशी है क्या? चलो। भाई, मेहमान नवाजी का पूरा इंतजाम है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, क्या बोलता है? ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा, मेहमान नवाजी बाकी है। आवाजें कहां से गूंज रही है? राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोलने वाले को हम कभी नहीं बख्शते हैं, ये हमारे राज्य की परंपरा है। पॉली, क्या हुआ? भाई यहाँ देखो, लगता है हमारी भी दुलाई ऐसे ही होगी। भाई वो गाइड आ गया। गाइड भाई, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कोई चोर या डाकू है ना? नहीं, धोखेबाज है, इसी की सजा मिल रही है। वो देखो, सच में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि धरती भी कांपने लगी है। तुमने देखा वो कैसे वो गमला थर-थर कांप रहा है? भाई लोग, लगता है हमारी भी धुलाई ऐसी ही होने वाली है। डरने की कोई बात नहीं है, धुलाई से पेड़ भी कांप रहे हैं। मुझे भी लग रहा है, पर उसे दिखाना नहीं चाहिए, अंदर छुपा कर रखना चाहिए। चुप कर तू, हमारा सफर इंसान की याददाश्त लाने के लिए शुरू हुआ था, पर अब लगता है कि हम सब की याददाश्त भी जाने वाली है। नहीं रे, सैम कहाँ है? ये सब सैम की वजह से हो रहा है। वो वहां नीचे डांस देख रहा है। डांस? हाँ, झूल रहा है। वो रहा। ओह, तू यहाँ बैठकर झूला झूल रहा है, तुझे पता है ऊपर क्या हो रहा है? वो सब राक्षस एक लाइन से लोगों का सर काट रहे हैं। अबे सैम, हमारी सोच से भी ज्यादा हालत बिगड़ती जा रही है, हम लोग यहाँ से आसानी से नहीं भाग सकते, अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? भाई तुझे कुछ याद है इस जगह से तेरा क्या रिश्ता है? वो लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि वो लड़की आखिर है कौन। मैं कितनी बार कहूं मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है इन लोगों को मैंने कहीं देखा है, पर कहां ये याद नहीं है। देख भाई, मेरा मकसद तेरा दिल दुखाना नहीं था, तू आराम से सोच, भागने के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। भाई तू यहाँ खड़े रहकर अब आराम से सोच, मैं अपनी जासूसी शुरू करता हूँ, मैं अब कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर लाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका सर काटने और उसे मारने का फैसला हो चुका है, अब यहां उसे मेहमान बना करके उसकी सेवा की जा रही है।
मैं कुछ नहीं भूला हूँ। पिछले 6 साल से एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब मैंने उसे याद ना किया हो। आखिर आप सब लोग ही बताइए कि हम उसके आने का कब तक इंतजार करेंगे। सब भगवान पर छोड़ दो, यही अच्छा है। अभी जरूरी ये नहीं कि उन्हें मारा जाए, उनकी रक्षा करनी होगी। मैं गुरुजी से सहमत हूँ, जब तक वो आ नहीं जाती हम इनको मारेंगे नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा करेंगे। पर अगर वो नहीं आई तो, और अगर उन्होंने जो कहा वो झूठ निकला, झूठ बोला है, तो चारों के सर धड़ से अलग कर देंगे। यही हमारा फैसला है। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। अब तो मेरा सर अलग होगा, सब खत्म हो गया। अब तो ये लोग हम चारों के सर काटने वाले हैं। ये तो क्या बक रहा है भाई। अगर वो लड़की नहीं आई तो ये लोग हमारे सर काट कर हमारे सर के साथ फुटबॉल खेलने वाले हैं। सैम कुछ सोच भाई, अपने दिमाग की बत्ती जला मेरे भाई। अब बात हमारे गर्दन की है, और बिना गर्दन के अगर हम लोग घर गए तो हम अपनी माँ की बात कैसे सुन पाएंगे। इसकी याददाश्त भी क्या मुसीबत है, जब जरूरत है तो याददाश्त जा चुकी है। लगता है इसने राजा के बेटी को धोखा दिया है और उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया होगा। इधर आओ। जाबे सबके सब यहाँ आओ। आओ यहाँ, अपनी नाक का इस्तेमाल करो। लगता है यहाँ नॉन वेज का कोई जुगाड़ नहीं है, सिर्फ वेज बन रहा है। साले, जो मैंने बोला है वो सच है भाई। सुन कर देखा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो सुन कर देख लो। सच कह रहा भाई, छोड़ना मत। भाई लगता है ये जगह डरावनी भी है। लगता है यहाँ के मरने वालों की आत्मा होगी। वहाँ कौन है? मुझे छोड़ दे। छोड़ दिया, अब देखते हैं। मैं मिठाई लाई हूँ, पता है ये यहाँ की बहुत फेमस मिठाइयाँ हैं। मत लेना। मैंने सुना है सर काटने से पहले बकरे को कुछ मीठा खिलाया जाता है, फिर वो हलाल होते हैं। बच्ची खाते। दूसरों को आकर सरप्राइज देना तो तुम्हारी आदत है ना? ऐसे क्यों ताड़ रहे हो? तुम कौन हो? क्या हुआ? आरती, ये उसका नाम है। तू उसे जानता है? ऐसा लगता है मैं उसे जानता हूँ। अब हम सब मारे गए। वो जाकर अपने शेर जैसे भाई को सब बता देगी। बड़े चले थे याददाश्त का पता लगाने जो यहाँ आए हम। अब वो हमारे सर काट देंगे, ये उनकी आदत है। तू और तेरी मिठाई भाई, उसके कुछ बताने से पहले ही हमें उसे रोकना होगा भाई। चल चल मेरे साथ। वो वहां बैठी है भाई, तू ही जाके उसे कुछ समझा सकता है। समझा मत, कुछ और मीठा मांग ले। चुप कर, चल उसे समझाते हैं। मैं मिठाई मांगू? आदरी। आदरी नहीं, आरती। आरती, सैम ने बिल्कुल झूठ कहा कि वो तुम्हें पहचानता नहीं है। कभी कभी वो मजाक करता है, अभी भी उसने मजाक ही किया है। सैम को क्या हो गया है? हे भगवान, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसने तुम्हें काफी टाइम से देखा नहीं ना, तो उसकी तबीयत खराब है। बेचारा, वो उसी बात को लेकर बहुत परेशान है। हाँ, अब वो आरती आरती कहकर रो रहा है, सिर्फ तुम ही उसे चुप करा सकती हो। मैं आरती नहीं हूँ, मल्लिका हूँ। सैम को हुआ क्या है? ओ, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस कभी कभी उसे नाम बदल कर बात करने की आदत होती है। बस यही बात है। यही बात है ना? हाँ, कभी कभी वो पापा को जीजा भी बुलाता है। सैम की बदलने की आदत नहीं है, मेरा और उसका कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो,
लेकिन अगर मुझे सच नहीं बताया तो अब मैं तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। यही यहाँ का अनुशासन है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो ए राजकुमारी जी, ये हमारा वादा है, हम सब सच बताने के लिए तैयार हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, जो सैम मुझे जानता था उसी के साथ ये सब हुआ। पर मानना पड़ेगा, हमारे इस सफर की शुरुआत डॉक्टर के कहने पर ही हुई। मैं आप सभी को जानता हूँ, ऐसा लगता है मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सभी को देखा है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मलिका, तुम सैम को कैसे जानते हो? सैम का आखिर इस जगह से क्या रिश्ता है? इंजीनियरिंग कॉलेज में सैम मेरा क्लासमेट था। 6 साल पहले वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। एक बार छुट्टियों में हमने गांव के मेले में जाने की सोची। मैंने अपने और दोस्तों को भी पूछ लिया। फिर हम एक ऐसे सफर पर निकले जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। उस वक्त हम अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल जीने गए थे। वो पल हमारे लिए यादगार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिनों में पता नहीं कैसे आरती और सैम करीब आ गए थे, और समय के साथ साथ मुझे भी पता चल गया कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आरती, क्या है ये सब? मलिका, वो ऐसा है कि मैं बस तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है, आरती को प्यार करने की और शादी करने की इजाजत नहीं है। उसे हमेशा कुमारी बनकर ही यहाँ रहना होगा। मैं ये सब नहीं मानता। सैम प्लीज, मेरी बहन पहले से ही दुखी है, मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहती, उसे जाने दो। क्या हुआ बेटा, बिना मेला देखे वापस जा रहे हो? हमसे कोई गलती हो गई? आखिर आप लोग जा क्यों रहे हो? सैम की माँ की तबीयत खराब हो गई, हमें अभी पता चला, इसलिए निकल रहे हैं। अगली बार मेले के वक्त जरूर आना, भूलना मत। दोनों के बीच सब खत्म हो गया, लेकिन सैम वापस आ गया बिना मुझे बताए।
इसने हमारी परंपरा को भंग किया है। ये कल का सूरज ना देखने पाए। खत्म कर दो इसे। तरह यहाँ से भागना होगा। आज सब लोग मंदिर गए हुए हैं, कोई नहीं है यहाँ, लेकिन वो लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। उनके आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। इस तरह कायरों की तरह मैं नहीं भाग सकता हूँ। मैं आरती को लेकर ही जाऊंगा। सैम, तुम मेरे साथ चलो। सैम, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी बैठो। देवा, वो चंद्रगिरी से बचकर निकलना नहीं चाहिए। वो जहां भी नजर आए उसका सर कलम कर देना। जाओ। बचना नहीं चाहिए। को लगा कि ये दोनों मर गए। मुझे भी यही लगा था। नियम के अनुसार राजगद्दी किसी औरत को मिलनी थी। आरती के गायब होने के बाद वो राजगद्दी मुझे सौंप दी गई थी। वो मेला फिर गांव में कभी नहीं लगा। लेकिन उस दिन पता नहीं तुम लोग यहाँ कैसे आ गए और सैम को देखा तो ऐसा लगा कि 6 साल पहले जो खुशियां मुझसे छिन गई थी वो वापस आ गई। मैं सैम को देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि आरती जिंदा है और वो नहीं आई तो? मल्लिका ने जो भी कहा वो सच हो सकता है। एक सपने की तरह बहुत सी चीजों ने मेरी यादों को भुला दिया, पर अब मैं पहले का कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूं।
ऐसा लगता है कोई कहानी सुनी है मैंने। जाने दे, मुझे यकीन है एक न एक दिन तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। जॉर्ज, तू ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा है? सुना नहीं मलिका ने अभी अभी तुझसे क्या कहा? हम आरती को भी नहीं ला सकते हैं, हमें ये बात उस वीरप्पन को भी नहीं बताना होगा। ये सच जानने के बाद हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से भागना है। जॉर्ज, जो ये कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। तो हमारे इस सफर का मतलब क्या रहेगा? कितने प्रॉब्लम्स झेले, जो समय सैम के दिमाग से गायब हो चुका है उसे वापस लाना है। हमारे सैम का एक्सीडेंट हुआ था और वो जगह यही थी, अब यही सैम की यादों को वापस लाएगी। अब हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी, अब हम तीनों बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। पर जॉर्ज, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम लोग यहां से जा सकते हो, मुझे अपना पुराना सैम चाहिए। पर कैसे, क्या हम इसे मुमकिन कर सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं कर सकते, पर एक इंसान अगर चाहे तो ये मुमकिन है। मलिका ये वही कर सकती है। ये हमारा जॉर्ज उस लड़की से कितने देर से बात कर रहा है। एक लड़की के वापस ना आने की वजह से वो वीरप्पन हम सबका सर काट देगा, पर लगता है कि ये खेल दो लड़कियों के गायब होने से ही खत्म होगा। अच्छा, चुप करना। जॉर्ज, आजा। मलिका कह रही है ये जगह आरती को बहुत पसंद थी। इस मूर्ति के सामने सैम ने आरती को हार पहनाया था। लगता है माता की मूर्ति से सैम की यादाश्त वापस आ सकती है। बेवकूफ, वो माता नहीं देवी है। हाँ हाँ वही, पर यादाश्त तो आ जाएगी ना। चलो चलते हैं। इस मूर्ति से यादाश्त नहीं आएगी, लगता है कोई और मूर्ति खोजनी पड़ेगी। ये कौन है? कोई जोकर? वीरप्पा नायडू यहाँ का जमींदार है। अब ये बताओ ये लोग कौन है? ये लोग भैया के मेहमान हैं, यहाँ मदद करने आए हैं। वजह क्या है? वो मेरी शादी है ना, इसलिए। ये मेरा होने वाला दूल्हा, इनका नाम नायकर है। सब फिक्स हो गया? हाँ हाँ, लगभग हो गया। मैं यहाँ इन्हें मंदिर दिखाने लाई थी। क्या शादी की बात तुमने सबको बता दी है? क्या शादी की बात तुमने अपने घर वालों से बताई है या नहीं? नहीं वीरप्पा जी, हम यहाँ पर जल्दी जल्दी आए हैं, बाद में चिट्ठी लिखकर सबको बता देंगे कैसा रहा। चलो बहुत अच्छा हुआ, वो लोग आ गए, वो भी बिना बताए। मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, लेट्स गो। आरती, ये वीरप्पन जो बार बार बात कर रहा था वो कोई खाने की चीज है क्या? चुप कर। मलिका, तुमने ये क्या किया? उससे पीछा छुड़ाने के लिए। कुछ साल पहले उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वो मुझसे शादी करे, अब कुछ दिनों तक मुझे नहीं लगता कि वो मुझे परेशान करेगा। मैं तो खामा खा डर गया था, पर अब कोई डरने वाली बात नहीं है, इसने कह दिया अब हम भाग जाएंगे। ये उसने मजाक किया होगा, पर मैंने सीरियसली लिया। पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे देखता हूँ कुछ कुछ होने लगता है। क्या? अरे टोनी, तू हमारे पप्पा को फोन करके बोल दे कि हमारे लिए चार कब्रें खुदा ले, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है क्योंकि शरीर के ऊपर सर नहीं रहेगा। अरे यार, हो सकता है तुम लोगों को यह मजाक लग रहा हो, पर हमारा संयुक्त परिवार, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति यही है। तुमने दोनों माताजी को देखा, भले ही शरीर से अलग हों लेकिन दिमाग से एक ही हैं। हमारी छोटी माताजी के दो बच्चे हैं, मल्लिका और चंद्रराजन।
मैं राजराजन और मेरे भाई देवराजन बड़ी माता के बेटे हैं और हमारी बहन का नाम है आरती। क्या ये आदमी हमें महाभारत की कहानी सुना रहा है? कैसे कहूँ कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है, पर ये गुरुजी का ही आदेश था। जैसा कि तुम लोगों ने अभी बताया कि आरती यहाँ किस दिन आने वाली है, वो अमावस का दिन है। अमावस के दिन कोई नया व्यक्ति घर में नहीं आता। हमने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई विकल्प नहीं मिला। ये अमावस का दिन आगे नहीं बढ़ सकता क्या? बेवकूफ, अमावस कैसे आगे बढ़ेगा, हमें उसे अमावस के दो दिन पहले बुलाना होगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। पर ये तो मुमकिन नहीं है। पर क्यों? क्योंकि राजा जी वो तो पहले भी यहाँ आ चुकी है ना। इसकी बात भी सही है। फिर हम उसे जल्दी बुला लेते हैं। नहीं, वो रास्ता काफी लंबा और टेढ़ा है ना। उसे बोलो कि लंबे रास्ते से नहीं, सीधे रास्ते से आए। अब तो कुछ बोल बोल सकते हैं, पर अगर हमने सीधे रास्ते से आने को कहा तो उसे पूरा घूम कर आना पड़ेगा, जिसमें दो दिन और लग जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो, उसे लंबे रास्ते से ही आने दो। फिर उस अमावस का क्या? अमावस को बदलने के पीछे क्यों पड़ा है तू? कुछ भी हो, लेकिन अमावस से पहले मुझे आरती यहाँ चाहिए। हमने फैसला सुना दिया। मार में जाए तेरा फैसला। अगर मुझे मेरे सर कटने का खतरा नहीं होता तो मैं इन सभी की ऐसी की तैसी कर देता। सच में भाई, तू रहने दे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर हम सबको मिलकर इस अमावस्या का कुछ करना चाहिए। मैं तुझे मार दूंगा, मुझे पता है ये अमावस क्या होता है बेवकूफ। क्या? ये अमावस ये होता है कि उसमें दो लोग, भाई तू ही बता दे से। तू चुप कर यार, अब हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, उन लोगों ने हमें डेडलाइन दी है। हम अगर अमावस से पहले आरती को इस जगह से नहीं ला पाए तो हम सबकी खैर नहीं है। भाई तू पॉजिटिव सोच, इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। हम कम से कम अमावस तक सेफ हैं। अमावस तक हमसे कोई भी आरती के बारे में नहीं पूछेगा, तो उस समय तक हम लोग यहाँ मजे से रह सकते हैं और इसी समय में हम निकलने का तरीका निकालेंगे। अबे सैम, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब से इसने उस मल्लिका को देखा है ना, मुझे लगता है इसका यहाँ से जाने का मूड नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं होगा, देखना। अगर वो तैयार है तो मैं क्या करता हूँ, भले ही वो वीरप्पन अपनी सेना के साथ मेरे सामने क्यों ना आ जाए, पर मैं उसे लेकर जाऊंगा। तुम लोग अब तक सोए नहीं? हम सोते नहीं हैं। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? आज कार्तिक है, आज बहुत बड़ा जश्न होता है और आज पूरी रात यहाँ एक भी औरत सोती नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज कार्तिक है ना, इसलिए बहुत खुश हो रहा है, यही ये कह रहा था। अच्छा, ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर है क्या? चलो हम भी मजा लेते हैं। अबे एक को नहीं मारूंगा तुझे, यहाँ प्ले देखने आया है। चल मैं तुझे प्ले दिखाता हूँ। ये सब क्या है, ये जवान लोगों का जश्न है क्या? सुन, अगर नीचे से देखेंगे तो मजा आएगा। ये जॉर्ज में बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। इस आइटम डांस के बाद मल्लिका का प्रोग्राम है, चल चल कर देखते हैं। मजा चलो, 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 चल मेरे साथ। निकाले जा रहे हो? हे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो ना, हम लोग ऊपर से डांस देख रहे थे ना। पता है, ऐसे किस्म का नृत्य बचपन से ही मेरी कमजोरी रही है। फिर हमने सोचा कि नीचे चलकर डांसर्स लोगों का हौसला बढ़ाया जाए। सही कहा। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती हैं, लड़के देख भी नहीं सकते। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो आंखें निकाल लेंगे। अंधे होने से अच्छा ये है कि ऊपर चलकर चुपचाप सो जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बेचारे को देखो, बेचारा सोते हुए चल रहा है। भाई तू समझा नहीं? नहीं, इसे नींद में चलने की बीमारी है। सच में? तेरा बाप नींद में चलता होगा, मैं ध्यान में चल रहा हूँ मूर्ख। लगता है इस गुरु का ध्यान अलग ही है। भाई ये बेचारा इसीलिए ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। ये कोई भी बीमारी बीमारी नहीं है, ये सब लड़कियों का डांस देखने का बहाना है। भाई ये तो अच्छा है, सोते सोते उसकी आँख नहीं निकाली जाएगी, इसीलिए वो सोने का बहाना कर रहा है। सुनो, हो गया, चलो। जॉर्ज हमारे ग्रुप का पाखंडी बाबा है। अरे भाई, मेरी आँख क्यों निकल रहा है? क्या मैं तुम लोगों को याद हूँ? बिल्कुल, तुम वही हो जो हमें मंदिर में मिले थे। तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? जब आपको नहीं पता है तो हमें कैसे पता होगा? अगर आप चाहे तो हम पता कर लेंगे। मैं तुम सबको गधा लगता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, गधों के सिंह नहीं होते हैं। तू मेरे प्यार का यार बनना चाहता है, उससे तू शादी करने आया है। मैं तुझे शूट करने वाला हूँ, बोल क्या करेगा। यार अब क्या करें,
अब हमारे पास एक ही रास्ता है। इसके पैर पर गिरकर माफी मांग लेते हैं। बिल्कुल नहीं। ये खुसर फुसर क्या हो रहा है? मार दो गोली। आप हमें मार देंगे उससे क्या होगा? देखिए हम नागराज वीरप्पन के आदमी हैं। ऐसा? हाँ। हमें मारने के बाद मैं देखता हूँ कि आप कैसे शांति से यहाँ बैठते हैं। हम सारी बातें उन्हें बताएंगे। हाँ हाँ। अगर मुझसे अगली बार इतनी बात की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, समझा? हे, इन लोगों को अंदर ले जाओ। अच्छा आइडिया था, कुछ और नहीं कह सकता था। मुझे लगा ये वीरप्पन का नाम सुनकर डर जाएगा, ये भी सर काटने में एक्सपर्ट है। ये लोग काटेंगे नहीं, सीधा खीमा बना देंगे। इसके हाथ में जंगली सुअर मारने वाली बंदूक भी है। क्या जंगली सुअर? सुनकर मुंह में पानी आ गया, काफी समय से मैंने गोश्त नहीं खाया। तू आगे जा। तुम सब लोग बाहर जाओ। अब जो फैसला हो गया वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। कैसा फैसला? ओहो, बहुत जल्दी भूल गए तुम लोग। तूने ही कहा था ना कि मेरी शिकायत नागराजा वीरप्पन से करेगा, वो फैसला। ओहो, वो फैसला? हाँ वो मैं बता दूंगा। उनसे कुछ मत कहना, मैंने उनका नाम चुराया है। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे कुत्ते के पट्टे से मारेंगे। वो मुझे मार देंगे। बचपन से मैं उनके नाम से डरता था। जब भी वो मेरे सपने में आते थे मेरी पैंट गीली हो जाती थी। मैं कसम। मैं मल्लिका से बहुत प्यार करता था और इस दिल में क्या रखा है उसका नाम छुपा रखा है। ये बात उस वीरप्पन को नहीं पता थी क्योंकि मैंने डर के मारे नहीं बताया। चलो तुम्हें एक और सच बात बताता हूँ। वो मैं ही हूँ जिसने मल्लिका को पहली बार नहाते हुए देखा था। ये सच है कि वीरप्पन मेरे चाचा का बेटा है। वीरप्पन जब भी किसी को मारता है तो रिश्तेदारी नहीं देखता। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। शादी के बाद तुम तो बच जाओगे लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा। भाई टूटे दिल चुप हो जाओ। हाथ हटाओ, मैं रोऊंगा। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं टूटे दिल का दर्द समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। हमारी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मल्लिका ने एक्चुअली आपसे झूठ बोला था। सच तो ये है हम दोनों प्यार करते हैं, लेकिन वीरप्पन को ये सब पता नहीं है। ये बात सिर्फ हमें और आपको पता है। उस वीरप्पन का दिल जीतने के लिए ही हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। ये प्यार का मामला है ना, इसलिए मल्लिका ने बताने से मना किया है। देखिए हमारे बीच की बात वीरप्पन को नहीं बताइएगा। तुम लोग अब जा सकते हो। मैं तुझे देख लूंगा। वो देखो वो रहा मूछ वाला गुंडा। तुम लोग मेरे साथ चलो। रुक जाओ सर। अबे गंजे गिराएगा? अरे बाबा। भाई भैया। हाँ। अब जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भैया मुझे एक समाचार की खबर मिली, इसलिए सोचा कि आपसे पता करने आ जाऊं। कैसा समाचार?
भैया आपको पता है ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? सुनकर चौंकिएगा मत, ये लोग यहाँ शादी करने आए हैं। ये बताना मैं तुम्हें भूला नहीं था, सोचा वक्त आने पर बता दूंगा। है? फैसला लेने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। आप सब जानते हैं क्या? यही समाचार। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। भैया मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है ना, एक बार फैसला लेने के बाद मैं उसे बदलता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस महल से बहुत प्यार है, इसलिए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसका मतलब सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। हाँ, अमावस्या से पहले हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार दोनों की शादी करा दी जाएगी। भैया मल्लिका, भाई को भूख लगी होगी, इसे कुछ खिलाओ। भैया जरूरत नहीं है, मेरा पेट पहले से ही भर चुका है। ये मुमकिन नहीं है। अब शादी हो जाने के बाद ही अब तुम अपने महल में जा सकोगे। शादी में तुम्हें भी तो हाथ बटाना है। वो किस लिए, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और फैसले लेने बाकी हैं। मल्लिका की माँ। देखा, आपको हमारी शादी की देखरेख करनी है। भाड़ में जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस शादी में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसका दिमाग हिल गया है। अपनी शादी तक मुझे एक और मौका दे दो भैया, प्लीज। मल्लिका का दिल जीतने का एक मौका तो दे दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अगर उसका दिल नहीं जीत पाया तो तुम उसे ले जाना, ठीक है? प्लीज प्लीज। ऐसा है? तुम्हारी कसम। थैंक यू, चलता हूँ। मल्लिका मैं आया। क्या आइटम है? मल्लिका रुक जाओ, वो आदमी मान गया है, मान गया है। किस बात के लिए? हमें करीब आने देने के लिए उसने मुझे एक और मौका दिया है। लग जा गले के दिल। क्या अंकल, आपकी उम्र हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में कोई लड़की अपना फैसला नहीं बदलेगी। अरे मल्लिका, कैसी परिस्थिति, कैसा फैसला? मल्ली मैं आ रहा हूँ। कल आरती को यहाँ पहुँच जाना चाहिए, कल के बाद अमावस शुरू हो जाएगी। ये फिर से अमावस पर आ गया, इस बुढ़े की सुई यहीं क्यों रुकी है? चुप करके खड़ा रहे। हमें आज से ही शादी की व्यवस्था करनी होगी। गुरुजी की बात सुनी ना, अगर वो आने वाली है तो हमें व्यवस्था आज करनी होगी। भाई तू कुछ बोलना। क्या हुआ, क्या बात है? अब हमें छुपाना नहीं चाहिए, इन्हें सच बता दे। ये शर्मा रहा है। ये शर्मा नहीं रहा है, इसे डर लग रहा है, मैं जानता हूँ। मैं बोलता हूँ ना। अब बोलने को बचा ही क्या, सबको वैसे भी पता चलने वाला है। हाँ? क्या पता चलने वाला है? वो हम ये बोल रहे थे कि नहीं, मैं बताता हूँ। वो अभी 100 किलोमीटर दूर है, वो इधर आ रही थी पर अचानक उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। हाँ? उल्टियाँ? हाँ, आरती 3 महीने की गर्भवती है। इसीलिए सफर के बीच में उसे आराम की जरूरत पड़ गई। अगर जरूरत हो तो वो गर्भ वाली बात कैंसिल कर दो। मुझे गर्भवती नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा तुमने, वो गर्भवती है? मेरी जानकारी के बिना कौन गर्भवती है और किससे? तुम लोगों ने सुना नहीं क्या इसने क्या कहा? इस महल में एक बच्चा जन्म लेने वाला है। क्या, मेरी मल्लिका गर्भवती हो गई? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। माई बाप, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं हो। ये सब गलती से नहीं हुआ, जानबूझ के किया है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। इसे अभी खत्म कर दो। मारना मत, गलती से हो गया। एक लड़की को गर्भवती कर दिया गलती से। भैया गोली मार दो। बस करो भैया। तुमने कहा कि इस महल में एक बच्चा जन्म लेने वाला है, इसका महत्व जानते हो तुम? ये तो हमारे और इस महल के लिए खुशी और जश्न की बात है। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। किस बात की है? सबको सूचित कर दो, जश्न अब रुकना नहीं चाहिए, उसे जोर शोर से मनाया जाए। पहले पता होता कि इस जगह को ये लोग डिलीवरी वार्ड बनाने पर इतना खुश होंगे तो मैं पहले ही बोल देता। कौन बेवकूफ ये सुनकर खुश होगा कि उसकी बहन शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है? ये गधे इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये सब क्या है, रिपब्लिक डे है क्या? पहले तो तू इन्हें साधारण लड़की देने वाला था ना,
अब गर्भवती लड़की कहाँ से लाएगा बोल? इस केस में हमें किसी गर्भवती लड़की को ढूंढना होगा। अबे चुप कर। ये आदमी यहाँ क्यों बैठा है? बच्चे के जन्म की खुशी में ये लोग जश्न मना रहे हैं। मल्लिका को गर्भवती करने में ये भी जिम्मेदार है, ये कैसे हो सकता है? मल्ली, तुम मुझे भी इसका हिस्सा बना सकती हो? हाँ। मैं बुरा नहीं मानूंगा मल्ली। हाँ? मैं खुले विचारों का हूँ, मैं तीसरी पार्टी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? गर्भवती करने में बस एक इंसान जिम्मेदार होता है और वो वही है। अच्छा तो ये बात है। वीरप्पन को हमने वादा तो कर दिया है, जब उसे आरती के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? जॉर्ज, अब बात हमारे हाथ से निकलती जा रही है, अब तुम उनके आगे और क्या क्या झूठ बोलोगे? तुम लोग परेशान मत हो, हम हंसते खेलते अपना वादा पूरा करेंगे। हम आरती को वापस लाएंगे, पक्का। पर कहां से? तुम कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। पता है, पर उससे पहले तुम लोगों को कुछ जरूरी बात जाननी होगी। हमने जो कुछ भी सुना वो पूरा सच नहीं था। दोस्तों के साथ सैम चंद्रागिरी से हॉलीडे करके वापस चला गया था, उसके अपने मणिपाल कॉलेज में। आरती से उसका लव मैटर सैम ने उस दिन ही मुझे बताया। सैम का आरती के लिए प्यार की हद मेरे समझ में आ चुका था, और बाद में मैं ही वो था जो सैम को रत्नागिरी छोड़ने गया था। फिर एक दिन मुझे सैम की कॉल आई चंद्रागिरी से, उस वक्त काफी रात थी। जॉर्ज, तू मेरा पहाड़ी के पास इंतजार करना, जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं मेरा इंतजार करना। मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया, पर सैम नहीं आया। उसके दो दिन बाद ही मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड से पता चला कि सैम मणिपाल कॉलेज में एडमिट है। कुछ अच्छे लोग उसे वहां के लोकल हेल्थ केयर में ले गए थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सेफ नहीं था, इसलिए अच्छे इलाज के लिए मैं सैम को अपने पास ले आया। डॉक्टर सैम को ठीक करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में लग गए, पर उसकी यादें उसके दिमाग से धीरे धीरे जाने लगी। मैं अपने मन में यही सब सोचता रहा कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। पर उसके 6 महीने बाद एक दिन अचानक आरती दिखी। मुंबई पुणे हाईवे पर मैं शांतिग्राम में डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था। आरती ने सोचा था सैम मर चुका है, पर सच जानने के बाद उसने ठान ली कि उसे सैम से मिलना है। पर आरती, सैम को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं, बल्कि आरती तुम भी नहीं। मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। पर आरती की आशा निराशा में बदल गई। सैम ने आरती को नहीं पहचाना। यकीन से तो नहीं कह सकता, बट पॉसिबिलिटीज आर देयर। आरती से शादी के बाद जब दोनों साथ में रहेंगे, उससे हो सकता है कि सैम अपनी यादों को संजो ले। माँ जी, ये फैसला आपको ही लेना है। माँ ने उनकी बात मान ली, इसीलिए सैम और आरती की शादी का फैसला लिया गया। पर सैम के दिमाग में उस वक्त एनी आ गई, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। फादर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं वहां खड़ी एनी से शादी करना चाहता हूं। जॉर्ज, फिर हम आरती को वापस लाकर यहां से निकल क्यों नहीं जाते हैं? यह मुमकिन नहीं है। जब आरती के साथ सैम ने भागने की कोशिश की, तो उस वक्त कुछ और भी हुआ था। सैम, सैम जल्दी करो।
छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे उसके पास प्लीज। आरती, आरती। ये पता था कि वो सैम को क्यों मरना चाहते थे, पर आरती को उन लोगों ने क्यों नहीं बचाया? इसका मतलब वहां कोई तो चाहता था कि आरती जिंदा ना बचे। वो वहां मौजूद था पर कोई भी उसे पहचान नहीं सका, उस दुश्मन को, और कई दिनों बाद भी उसका पता नहीं चला। आरती की जिंदगी यहां सेफ नहीं है। अगर मेरा शक सही है तो वो एक ही आदमी है और सैम उसे जानता है, और इसी वजह से सैम की याददाश्त आना जरूरी है। उसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बची हुई है। आज चंद्रगिरी के त्यौहार का आखिरी दिन है। आज से 6 साल पहले उस रात जब सैम के साथ वो हादसा हुआ, वो उसे आज भी फील होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग भरोसा रखो, अब अपना वक्त आएगा। आज रात जब महल के सारे लोग प्रार्थना करने मंदिर जाएंगे, हम मलिका को लेके भाग जाएंगे। जॉर्ज, तुम्हें लगता है मेरे भैया इसके बाद शांत रहने वाले हैं? नहीं, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भाई, मलिका के साथ चंद्रगिरी छोड़ने के लिए सैम मानेगा? हमें उसे मनाना होगा पॉली, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, सैम को मनाना होगा। जॉर्ज, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने सुना नहीं मलिका ने हमें क्या बताया था? सब कुछ जानते हुए भी तुम एक और मुसीबत मोल ले रहे हो, यही तुम्हारा प्लान है? मलिका ने आरती को छोड़ने के लिए कहा था, तब तुमने उसकी बात मानी थी? उस वक्त तुम्हारा प्यार जरूरी था, आज मेरा जरूरी है। ये काम नहीं करेगा, मैं इसे नहीं मानता। हम जैसे आए थे वैसे ही लौट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम चार। ये कहने का हक तुझे किसने दिया? हम यहाँ इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आए हैं, मेरी बात को समझो। बिना मलिका के तो हम चले जाएंगे, लेकिन क्या ये उसके बिना रह पाएगा? हम इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। भाई, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सैम, अगर हम आरती को वापस नहीं लाए तो वो वीरप्पन हम सबको मार देगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सैम, आज रात हम चारों को इस महल से किसी भी हाल में निकलना होगा मलिका के साथ। अबे धोखेबाजो, तो ये है तुम्हारा प्लान? अब मैं देखता हूँ तुम लोगों को। भैया, भैया जी, भैया जी, भैया, भैया। जब तक वो सच्चाई वीरप्पन को बताए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी बैठो। चंद्रा, यहाँ जो हुआ उसे अंत करने का वक्त आ गया है, जाओ। जो भी तुमने बताया अगर वो सच निकला तो कल सुबह तक 4 लाशें तुम्हें चंद्रगिरी में तैरती नजर आएंगी। जाओ। चलो, चलो, इस बगाव निकालो, पीछे आ रहे हैं।
रुक जाओ सैम। छोड़ो मुझे। आपको गलतफहमी हुई है, हम यहाँ से किसी को भगाना नहीं चाहते। हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा जॉर्ज। ये इंसान, इसने क्या किया तुम्हें पता है? सैम, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, पर उसे छोड़ दो, उसे बचा लो। आरती, उसे इस तरह से नहीं बचा सकते सैम। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मेरा शिकार वो थी। अगर वो नहीं बचेगी तो उसका खिताब मलिका को मिल जाएगा, फिर इस साम्राज्य की हर चीज पर सिर्फ एक इंसान का अधिकार होगा, वो है नागराजन, जो मैं हूं। अब चंद्रगिरी को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसे तुमने अपने हाथों से पाला पोसा, उसके साथ ऐसा किया, अब तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? मेरी वजह से ये पहले ही बहुत परेशान है, बस हमें जाने की अनुमति दें। अरे रुक भी जाओ, हम दोनों में काफी गलत फहमी हो गई थी। मैं तुम्हें दुश्मन समझकर तुम्हारे साथ गलत पेश आया, मुझे माफ कर दो। क्या हमारी शादी हो सकती है? ऐसा है? फिर इसके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? उसे मैं एडजस्ट कर लूंगा। भैया जी, ऐसे कजिन्स पे हमें गर्व है।